हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कांतिस किड्स। आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसे मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि आप टेंस की वीडियो लाइए। तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस टेंस का मतलब काल होता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल का मतलब होता है जो चल रहा है, जिसका मतलब होता है, वर्तमान काल का मतलब जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जो चल रहा है वो वर्तमान काल है। पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं, जिसका मतलब होता है जो बीत गया है। जो बीत गया है वो पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं, जिसका मतलब है जो आने वाला है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। इन तीनों को भी चार हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन ये चार भाग ऐसे हैं कि जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक बार देखना होगा। अब हम देखेंगे कि ये चार भाग कौन कौन से हैं, इन तीनों को बांटा गया है। पहला भाग है इंडेफिनिट, जिसका मतलब होता है अनिश्चित। इसमें कोई काम तय नहीं होता है, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ इसका कुछ पता नहीं होता है। जैसे मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी। ये इंडेफिनिट टेंस है, जो कि एक अनिश्चित कार्य है, जिसका मतलब होता है कि उसका पता नहीं है कि वो कब से शुरू हुआ है और कब खत्म हुआ है, लेकिन उसका मतलब यही होता है। ऐसे वाक्यों में हमें समय का पता नहीं चलता। दूसरा भाग होता है कंटिन्यूअस टेंस, जो कि चलते रहना या जारी रहना दर्शाता है। इसका मतलब होता है कोई भी काम चल रहा है, कब चल रहा है, कब से चल रहा है ये पता नहीं होता, लेकिन चल रहा है। जैसे चलते रहना, काम जारी रहना। जैसे मैं हॉकी
खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मतलब खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, लेकिन कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूँगा ये पता नहीं है, लेकिन काम चल रहा है, मतलब खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग हॉकी होता है परफेक्ट टेंस, मतलब होता है काम पूरा हो चुका है। मैं हॉकी खेल चुका हूँ। ये खेल चुका हूँ जो ये होता है, ये परफेक्ट टेंस में आता है। इसका चौथा भाग होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। परफेक्ट का हमने देखा कि काम पूरा हो चुका है, और कंटीन्यूअस में हमने देखा काम चल रहा है। इसमें जिससे इसका मतलब निकलता है कोई काम हो भी चुका है और जारी भी है। ये होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब। अभी हम उदाहरण में देखेंगे तब हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ, मतलब मैं हॉकी खेल रहा हूँ, ये कार्य चल रहा है, ये कंटिन्यूअस है, और सुबह से खेल रहा हूँ, मतलब सुबह से खेल भी रहा हूँ और अभी जारी भी है, मतलब कि मैं पिछले 2 साल कविता लिख भी चुका हूँ और अभी भी लिख रहा हूँ। ऐसे वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब टेंस के चारों भागों को हम तीनों काल में फिट करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसके कितने भाग होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।